दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, एलजी द्वारा जंगल राज कायम किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं थी, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित है, ना दिन में सड़क सुरक्षित है, ना तिहाड़ जेल सुरक्षित है। हर जगह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जब थानों में 30-40% ही खाली पुलिस कर्मी है, तो पुलिस वाले कैसे अपराध पर नियंत्रण रखे? एक बुजुर्ग महिला को दो युवकों ने चाकू घोप घोप कर मार, लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा गया। आज हम सबने एक वीडियो देखा जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम प्रगति मैदान टनल के अंदर एक गाड़ी को चार बाइक वाले घेर लेते हैं और सामान लूटकर भाग जाते हैं, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। ये पहली घटना नहीं थी, आपने देखा होगा बीते दिनों एक बुजुर्ग महिला को दो युवकों ने चाकू घोप घोप कर मार दिया। फिर आपने देखा होगा दो युवतियों को घर में घुसकर किसी ने बंदूक से मार दिया। फिर आपने देखा कि एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा गया। ना आज दिल्ली में अस्पताल सुरक्षित है, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित है, ना दिन में सड़क सुरक्षित है, ना तिहाड़ जेल सुरक्षित है। हर जगह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में एलजी द्वारा जंगल राज कायम किया जा रहा है। 18 तारीख को, इसी बीती 18 जून को, वैसे तो सरकारी आंकड़ा है कि दिल्ली में हर दूसरे दिन एक मर्डर होता है, पर 18 जून को 4 मर्डर हुए थे। 19 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिख के समय मांगा था, ये बताया था साथ ही कि बहुत सारे थाने सिर्फ 30-40% अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, यानी कि पुलिस वालों की कमी है। ये भी कहा था कि थाना लेवल कमेटी जो दिल्ली में पहले होती थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विधायक दिल्ली के SHO से जवाबदेही कर सकते थे, उस कमेटी को भंग कर दिया गया था। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुहार लगाई थी कि ये वाली कमेटी दोबारा एस्टैब्लिश की जाए। ऐसे ही पुलिस का काम क्या रहता है साथियों, इसमें पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जब थानों में 30-40% ही खाली पुलिस कर्मी है, तो पुलिस वाले कैसे अपराध पर नियंत्रण रखेंगे? ये जो अपराध हो रहे हैं, इन क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखने की जरूरत होती है। पुलिस वालों के पास सारी रिपोर्ट होती है, सारी फाइलें होती हैं, पर पुलिस कर्मियों की इतनी भारी कमी है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे। एलजी से लगातार मुख्यमंत्री मिलने का समय मांग रहे हैं, लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने को कह रहे हैं। ये बहुत अभी तक साफ दिख रहा है कि ये बाहरी एलजी दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में बिल्कुल असमर्थ रहे हैं और उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून व्यवस्था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को सौंप देनी चाहिए। जैसे हमने स्कूल अस्पतालों में बढ़िया काम करके दिखाया है, हम कानून व्यवस्था का भी कायापलट कर देंगे।